हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग स्टेप्स एंड मी आशा शर्मा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच अगेन, यू आर हेयर एंड राधे राधे आप सभी को। आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास 7 का चैप्टर नंबर 13 एंड द चैप्टर इज ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज। ये विलियम शेक्सपियर की बहुत ही अच्छी पोएम है जिसमें इन्होंने मतलब एक ह्यूमन लाइफ को डिफाइन किया है कि ये कितनी स्टेजेस में एक इंसान की लाइफ कंप्लीट होती है, इन्फेंट टू ओल्ड पीपल। सो टुडेज वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम एंड पोएम रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ये चैप्टर है न्यू इमेज पब्लिकेशन, न्यू इमेज पब्लिकेशन बुक है, उसका ये चैप्टर 13 है और क्लास 7th है। सो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, What are the 7 stages of a person's life? Mention each stage notable characteristics. विलियम शेक्सपियर ने इंसान की लाइफ को 7 स्टेज में कन्वर्ट किया है, तो उसमें पूछा है कि वो 7 स्टेजेस आपको बतानी है विद डिफाइनिंग। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायर है इतनी। द 7 स्टेजेस ऑफ अ पर्सन्स लाइफ आर, नंबर 1, एन इन्फेंट, जब एक बच्चा इस दुनिया में एक बच्चे के रूप में जन्म लेता है इंसान, म्यूलिंग एंड पकिंग, तो वो क्या करते हैं। सेकंड है स्कूल बॉय, सेकंड स्टेज एक स्कूल बॉय की होती है जिसमें होता है अनविलिंग टू गो टू स्कूल, ना जाने की इच्छा। थर्ड स्टेज अ लवर, ट्राइंग टू गेट द लव ऑफ हिज लाइफ, वो हमेशा अपनी लाइफ में प्यार को खोजने की पाने की कोशिश करता रहता है। फोर्थ स्टेज अ सोल्जर विद अ फायर सेंस ऑफ प्राइड एंड द ब्रेवरी, इस स्टेज में उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टैमिना, जोश और बहुत ज़्यादा प्राइड होता है। अ मिडिल एज मैन, ये आ जाती है उसकी जो वो सीनियर सिटीजन्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सिटिंग मॉडर्न इंस्टेंसेस, मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंग जब वो रिएक्ट करना स्टार्ट करता है। एंड आफ्टर एन ओल्ड मैन, इस स्टेज में क्या होता है, एट द ट्विलाइट ऑफ हिज लाइफ, एंडिंग पॉइंट वी कैन से सेकेंड चाइल्डिशनेस, मैन बिकेम वेरी ओल्ड विदाउट टीथ, रीजंस एंड लूजेस एवरीथिंग। सेकेंड चाइल्डिशनेस इसलिए बोला है क्योंकि इस स्टेज में इंसान इतना ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है कि अब वो एक बच्चे की तरह रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इस एज में ना तो उसके दांत होते हैं, उसकी जो रीजंस होते हैं वो भी क्लियर नहीं होते हैं, और उसको मोस्ट ऑफ चीज़ों को भूलने की कैपेसिटी या कैसे उसको हैबिट हो जाती है, जो कि सिम्टम्स होते हैं चाइल्डनेस के। तो ये 7 स्टेजेस हैं जो इस क्वेश्चंस 1 की रिक्वायर है, तो 7 स्टेजेस को कम्प्लीटली डिफाइन किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज द स्कूल बॉय वॉक एट अ स्नेल पेस, इज ही नॉट हैप्पी, and the answer is as the boy was unwilling to go to the school he walked at snail pace, the boy is not happy and he does not want to go to school as he dislikes going there। तो इस क्वेश्चन में था कि जो बच्चा होता है स्कूल जाता है तो उस टाइम वो स्नेल पे मतलब स्नेल की तरह धीरे धीरे रेंगते रेंगते क्यों चलता है, तो उसका रीज़न ये है क्योंकि वो स्कूल नहीं जाना चाहता है, उसकी इच्छा नहीं है स्कूल जाने की, इस वजह से वो इस तरह से प्रटेंड करता है जिससे कि उसे स्कूल जाना ना पड़े। और वैसा क्यों करता है, क्योंकि उसको स्कूल जाना पसंद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द लवर डू, जो लवर्स होते हैं वो क्या करते हैं। अ मैन प्लेज अ लवर्स रोल बाय बुजलिंग कंपोजिंग बैलेट्स फॉर हिज बिलव्ड एंड ही अर्न्स फॉर हर अटेंशन इन द थर्ड स्टेज, ये कट है, ये फोर्थ नहीं है, दिस इज द थर्ड स्टेज। इन द थर्ड स्टेज द मैन डू दिस एक्ट, इस एज में क्या होता है, जो लवर्स होते हैं अपनी बिलव्ड की के लिए मतलब बैलेट्स होता है, बैलेट्स मतलब बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही ज़्यादा केयरिंग टाइप का प्रेजेंट करते हैं, और इसमें उनका ये सब करने का इंटेंशन यही होता है कि वो अपनी बिलव्ड का अटेंशन पाना चाहते हैं, और ये ह्यूमन्स लाइफ की थर्ड स्टेज होती है। क्वेश्चन नंबर 4,
What makes the soldiers quick and quarrel? ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो soldiers को बहुत जल्दी झगड़े में quickly बहुत ज़्यादा aggressive कर देती है? The soldiers makes quick and quarrel because he has a very intelligent mind that he know what he should do at the right time. ऐसा वो किस लिए कर पाते जो soldiers, क्योंकि बहुत ज़्यादा intelligent होते हैं और जब भी उनको कुछ लगता है कि something is doing wrong, then they are capable to take a decision in instant time period. So due to their intelligence and their clever minds, एंड ही नो वॉट ही शुड टू डू एट ए टाइम, और उनको उस टाइम पर यह भी पता होता है कि उन्हें किस टाइम पर क्या करना है. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज अ मैन प्ले हिज पार्ट एज द जस्टिस? मतलब जो इंसान होता है वो अपना जो पार्ट है एज अ जस्टिस उसको कैसे प्ले करता है, कैसे शो करता है. एंड दिस इज द फिफ्थ स्टेज ऑफ द ह्यूमन पर्सन. इन द फिफ्थ स्टेज ऑफ लाइफ मैन प्लेज द रोल ऑफ द जस्टिस. He has grown fat from eating expensive meats. He uses his experiences of life and gives the good and the right advice. ये सबसे ज़्यादा सुप्रीम एंड द फैंटास्टिक एज होती है इंसान की. इस एज में बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा खाना खाता है, बहुत एक्सपेंसिव मीट्स मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी हैवी डाइट लेता है जिससे वो फैटी बेली हो जाता है. और इस एज में क्या होता है कि वो एक अच्छी और गुड एडवाइस भी लोगों को देता है जब भी किसी को नीड होती है. तो इस पोयम में थे ये 5 क्वेश्चन आंसर, और ये 5 के 5 क्वेश्चन आंसर मैंने आपको इस वीडियो में 1 by 1 एक्सप्लेन कर दिए हैं. आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे. अगर आपने इस चैप्टर की पोयम को अभी नहीं यू आर नॉट अवेयर विद दिस पोयम, सो यू कैन गो एंड वॉच दिस चैप्टर कंप्लीट समरी ट्रांसलेशन इन हिंदी, बिकॉज दिस वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन माई चैनल. एंड दिस टाइम आई हैव टू डिस्कस ओनली द क्वेश्चन आंसर एंड आई हैव डन. So thank you so much guys for watching my complete video, and in my next video I'll come with the next class chapter question answer solving. So this time thank you so much, and Radhe Radhe aap sabhi ko. Have a good day to all of you.